आज की डेट में ऐसी बहुत कम एक्ट्रेस हैं जो 64 की एज में भी इतनी बेबाक और बिंदास हो। ऐसी एक्ट्रेसेस में से एक है नीना गुप्ता। वेल, एक तो नहीं, वन एंड ओनली है, क्योंकि उनके अलावा 64 की एज में हमने आज तक इतना बोल्ड शायद ही किसी को देखा हो। लव स्टोरी सीजन 2 अगर आपने देख लिया है तो नीना गुप्ता ने दादी माँ का रोल निभाया है। उनके ऐसे ऐसे डायलॉग हैं जिन्हें सुनकर हम खुद भी शर्मा जाए कि अगर हमारी ग्रैंड मॉम हमसे ऐसे क्वेश्चंस करने लगे तो क्या होगा। एनीवेज, नीना गुप्ता ने इस रोल को तो काफी अच्छे से प्ले किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं नीना गुप्ता की जो लाइफस्टाइल है वो काफी डार्क रही है। फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने काफी कुछ सहा है। पर्सनल लाइफ तो अलग रही, लेकिन प्रोफेशनली भी उन्होंने काफी कुछ झेला है, जिसमें से एक किस्सा है साउथ के डायरेक्टर के साथ नीना गुप्ता की वो एक रात जो उनके लिए हॉरिफाइंग हो गई थी। इस पूरी अपडेट को जानने से पहले चैनल को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक इंटरव्यू के दौरान नीना गुप्ता ने बताया जब वो अपनी इनिशियल डेज में थी, बॉलीवुड में काम करने के लिए, फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो उन्हें एक साउथ इंडियन डायरेक्टर की तरफ से ऑफर आया। इस मौके को नीना गुप्ता गवाना नहीं चाहती थी। भले ही ये बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन उन्हें कैसे भी करके स्क्रीन पर आना था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक मीटिंग की जाए, और इस साउथ इंडियन डायरेक्टर ने नीना गुप्ता को एक होटल के रूम में बुलाया। इस होटल रूम में जाने के बाद नीना गुप्ता ने सोचा कि मैं मुझे ऊपर रूम में जाना चाहिए या नहीं। उनके कदम रिसेप्शन तक रुक गए और वो काफी डरी हुई थी कि वो आगे क्या करे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि वो इस मौके को गवा तो बिल्कुल नहीं सकती, इसीलिए वो फौरन होटल के उस रूम तक पहुंच गई। वहां जाने के बाद नीना गुप्ता की दिल की धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी। साउथ इंडियन डायरेक्टर का नाम तो उन्होंने रिवील नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि रूम के अंदर जाने के बाद मैंने उसे पूछा कि मेरा रोल क्या होगा। इस पर डायरेक्टर का जवाब आया कि जो मेन लीड एक्ट्रेस होगी उसकी बहन का। अब ये बात तो अपने आप में थोड़ी सी चौंकाने वाली है कि एक फिल्म डायरेक्टर खुद से ऐसी कास्टिंग के लिए क्यों किसी को बुलाएगा जिसमें लीड एक्ट्रेस का भी रोल नहीं है, लीड एक्ट्रेस की फ्रेंड का रोल है। खैर, नीना गुप्ता को काम चाहिए था, इसीलिए उन्होंने इस रोल के लिए हाँ कर दिया। नीना गुप्ता ने आगे कहा कि क्या अब मैं जा सकती हूँ। तब उस डायरेक्टर ने कहा कि क्या तुम यहाँ पर नाइट स्टे नहीं करोगी। बल ये सुनकर नीना गुप्ता के होश उड़ गए। नीना गुप्ता का इस बात पर कहना था कि मेरा खून सूख गया जब मैंने ये बात सुनी, मैं बस किसी भी तरह से वहाँ से निकलना चाहती थी। इसके बाद क्या था उन्होंने जरा भी नहीं सोचा। उसके बाद तो उन्हें ये ख्याल भी नहीं आया कि उन्हें फिल्मों में काम मिलेगा या नहीं, और नीना गुप्ता फौरन वहाँ से भाग गए। पर आज हम सब जानते हैं कि वो कितनी बोल्ड एक्ट्रेस हैं। अपने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को वो बहुत अच्छे से सामने रखती हैं और खुलकर हर चीज पर बात करती हैं। आपको एज एन एक्ट्रेस नीना गुप्ता कैसी लगती है? शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच बॉलीवुड अपडेट्स एंड न्यूज प्लीज फॉलो माय लव फॉर बॉलीवुड।